हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शिमला मिर्च और पनीर की ग्रेवी वाली झटपट सब्जी बनाएंगे, जिसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम लेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, 8 से 10 काजू और 3 बड़े टमाटर। इन सबको अच्छे से पीस लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। अब एक पैन को गरम कर लें और इसमें 8 से 10 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और थोड़ा सा साबुत धनिया। इनकी खुशबू जैसे आने लगे, हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे टमाटर वाला पेस्ट। इसे करीब 5 मिनट हाई फ्लेम पर चलाते हुए हमें पकाना है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और करीब 5 से 7 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। मसाले जैसे ही तेल छोड़ने लगे, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच चिकन मसाला पाउडर और इनको फिर से चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी मलाई और अच्छे से फिर से मिला लेंगे और करीब 5 से 7 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े कटे शिमला मिर्च और 2 कटोरी पानी। आप ग्रेवी के लिए अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब इसे ढककर हाई फ्लेम पर करीब 3 मिनट के लिए हमें पकाना है। ध्यान रखें दोस्तों, शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाना है हमें यहाँ। अब इसमें डालेंगे रोस्ट किया हुआ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और 150 ग्राम पनीर। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और ढककर फिर से करीब 2 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, पनीर और शिमला मिर्च की ग्रेवी वाली सब्जी रेडी है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे रोटी या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए।